गेस विच हैज़ द बिगर एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। तो ये बताइए कि आपको गेस करना है कि आपकी जो फुटप्रिंट है उसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, या जो ये इस बुक के जो पेजेस हैं इतना बड़ा, इसका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए, तो बहुत सिंपल है। अब आपके पैर जो हैं, पैर के मतलब कि जो फुटप्रिंट्स हैं आपके, इतने बड़े तो नहीं होंगे जितना बड़ा ये पेज दिख रहा है ना। बुक का पेज तो ज़्यादा बड़ा होता है ना। इतने बड़े बड़े पैर तो हाथी के होते हैं, हमारे तो नहीं होते, बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बींग ना, सो हमारे तो पैर छोटे हैं इससे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, आंसर। आपको पता है कि इस बुक के जो पेजेस हैं वो ज़्यादा बड़े, इनका एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो हम लिख देंगे। बी विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपी नोट टुगेदर और 100 रुपी नोट। तो अब ये बताइए कि इनमें से किसका जो एरिया है वो स्मॉलर है। दो अगर 5 रुपी के नोट आपने आपके पास अगर हो तो आप उनको रख के देखिए एक साथ, के 5 रुपीज़ के नोट आपने 2 नोट रख दिए, उनका नोट का एरिया ज़्यादा छोटा है, या जो 100 रुपी का नोट होता है उसका एरिया ज़्यादा छोटा है, राइट। तो अब आप इसको करके देखेंगे, और इसका जो आंसर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, 100 रुपी का नोट जो है उसका एरिया ज़्यादा बड़ा होगा। सी लुक एट अ 10 रुपी नोट, इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, 10 रुपी का एक नोट लेना है, मम्मी से ले लीजिए अपनी, और उसको ध्यान से देखिए। अब ये बताइए इसका जो एरिया है क्या वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो उसको आप कैसे मैप करेंगे कि ये जो स्क्वायर्स बने हैं ना आपके पेज नंबर 37 पे, आप उसको यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं नोट को, तो आप स्क्वायर अगर काउंट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ओके, इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई। तो क्या यहाँ पे जो दो नीचे शेप दिख रही है ना, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल, स्क्वायर येलो कलर से है और ट्रायंगल ब्लू कलर से है, तो ये जो दो एरिया आपको दिख रहे हैं इनका जो एरिया है क्या वो ब्लू शेप जो है वो ज़्यादा है येलो शेप के एरिया से, और क्यों है ये बताइए। अगर हम इन ट्राइंगल्स को, ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, अगर हम इनको ऐसे सेट करें ना, तो ये इसके इसे जो है कि इसे बड़ा होगा, हाँ इससे ज़्यादा एरिया का है, क्योंकि इसका जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल अगर हम मेज़र करते हैं वो भी इस येलो वाले से ज़्यादा बड़ा है, तो ये ज़्यादा बड़ा एरिया है इसका। ये ब्लू वाला जो एरिया है इसका जो एरिया है वो येलो स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप स्केल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं मेज़रमेंट करने के लिए इस ट्राइंगल को। ई इज़ द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप, वाई। तो क्या इसका जो पेरीमीटर है येलो शेप का, ये पेरीमीटर ज़्यादा है ब्लू शेप से, और क्यों है। तो अब वहाँ पर तो हम एरिया की बात कर रहे थे, लेकिन जो पेरीमीटर है क्या इसका ज़्यादा बड़ा है, ये जो येलो शेप है इसका पेरीमीटर ज़्यादा बड़ा है, तो हाँ इसका पेरीमीटर ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है इस वजह से। और इसमें आप इसका फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं आप, जब आप इसको स्केल से मेज़र करेंगे उसके बाद, तो आपको पता चल जाएगा। हाउ बिग इज़ माई हैंड, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज। अब आपको अपना हैंड को जो है स्क्वायर शीट से मेज़र करना है, टेक्स्ट में जो छोटे छोटे स्क्वायर्स यहाँ पे बने हुए पेज नंबर 37 में, यहाँ पे आपको अपना हैंड ड्रॉ करना है। ओके, अपना हाथ सीधे आप यहाँ पर रखेंगे और उसके चारों तरफ पेंसिल से आप आउटलाइन बनाएंगे, तो आपका हाथ जो है प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हाथ का जो साइज़ है वो प्रिंट हो जाएगा। उससे आप अपने हाथ का भी मेज़रमेंट कर सकते हैं कि कितने स्क्वायर इसमें आ रहे हैं ये, क्योंकि एक स्क्वायर जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आपका जो हैंड है उसके स्क्वायर सेंटीमीटर आपको पता चल जाएंगे इसके थ्रू। हाउ विल यू डिसाइड दो हुज़ हैंड इज़ बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका हैंड बड़ा है या आपकी फ्रेंड का हैंड बड़ा है, तो वो सिंपल है, इस तरीके से आप मेज़रमेंट कर सकते हैं कि स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आप दोनों अपना हाथ ड्रॉ करें, और जिसके स्क्वायर ज़्यादा आ रहे हैं इट मीन्स कि उसका हाथ ज़्यादा बड़ा है। वट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आप बताइए आपका हैंड कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो मैंने तो यहाँ अपना लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर अपना जब मेज़रमेंट कर लेंगे कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वॉट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड हैंड, अब आपका जो फ्रेंड, जब आपका फ्रेंड अपना हैंड मेज़र करेगा तो कितने स्क्वायर का एरिया आ रहा है उसका, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो दोनों का कंपेरिजन हो जाएगा कितना ज़्यादा किसका है, तो मतलब जिसका ज़्यादा एरिया आ रहा है इट मीन्स उसका हाथ ज़्यादा बड़ा है, राइट।
माई फुटप्रिंट्स, हुज फुटप्रिंट इज लार्जर, योर और योर फ्रेंड? अब ये बताइए कि फुटप्रिंट, जैसे अभी तो आपने हैंड को मेजर किया, अब जब आपके आप अपने और अपने फ्रेंड का फुटप्रिंट डिसाइड कैसे करेंगे कि किसका फुटप्रिंट ज़्यादा बड़ा है? तो ये कर सकते हैं उसके लिए भी कि स्क्वायर शीट में अपने पैर का भी आउटलाइन कर लें और जो स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कर लें, तो पता चल जाएगा आपको। और दूसरा तरीका ये है कि जब ज़्यादा अंतर रहता है ना कि कोई चीज़ बड़ी, जैसे अपने पैर किसी किसी के बहुत ज़्यादा बड़े होते तो अलग ही समझ में जाते हैं कि इसके पैर ज़्यादा बड़े हैं। हमारे शूज़ के नंबर से भी हमें पता चल जाता है कई बार, है ना? तो उसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। हाउ विल यू डिसाइड डिस्कस? तो अब ये कह रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके आपके पैर कि आपके फ्रेंड के पैर ज़्यादा बड़े हैं? तो हम स्क्वायर शीट का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ये हम यहाँ लिख सकते हैं। इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट द सेम? क्या एरिया जो है आपके दोनों पैरों का वो सेम है? तो हाँ, हमारे दोनों पैर तो एक ही बराबर होंगे ना, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर ही होगा। क्या आप जब शूज़ या कोई स्लीपर लेते हैं तो क्या दोनों पैर के लिए अलग अलग नंबर यूज़ करते हैं? नहीं ना, एक ही नंबर यूज़ करते हैं ना, कि हमें 10 नंबर का जूता चाहिए तो 10 नंबर का ही लेते हैं, तो दोनों पैर के लिए 10 नंबर का ही शूज़ लेते हैं। इसका मतलब कि दोनों पैर हमारे सेम ही है, राइट? तो यहाँ लिख देंगे यस।